हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का कलेक्शन मैं आपके लिए सलवार का लेकर आई हूँ, जिसके लिए मैंने ये 2 मीटर कपड़ा लिया है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसमें से हम सलवार की कटिंग किस तरह से करते हैं। सबसे पहले हम कपड़े को खोलते हैं और सबसे पहले हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। कपड़े को मैंने एक बार फोल्ड कर लिया है, आप देख सकते हैं कपड़ा एक बार फोल्ड है। जो बेल्ट लेनी है हम उसका साइज ले रहे हैं। बेल्ट हम 10 इंच की काटेंगे, तो मैं 10 इंच पे निशान लगा रही हूँ। और 3 मार्क्स हमने इसलिए किए हैं ताकि जो हमारी कटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट हो। और ये लाइन ड्रॉ कर देंगे हम तीनों निशानों को मिलाते हुए। और सबसे पहले हम बेल्ट की कटिंग कर रहे हैं। फ्रेंड्स, यदि आपकी बेल्ट कम पड़ती है तो आप एक्स्ट्रा कपड़ा भी काट सकते हैं, लेकिन मेरे लिए अब मैं आपको यहाँ पे पार्ट की कटिंग बताऊंगी। तो कपड़े को हमने एक बार फोल्ड कर रखा है, आप देख सकते हैं। हम इसे फिर दोबारा से फोल्ड करेंगे और पार्ट की हम लेंथ लेंगे। पार्ट की लेंथ हम यहाँ पे हम 40 इंच की सलवार तैयार कर रहे हैं, तो उसके लिए 10 इंच की हमने बेल्ट ले ली है और 32 इंच की हम यहाँ पे पार्ट की कटिंग करेंगे, क्योंकि 2 इंच हमें एक्स्ट्रा चाहिए सिलाई के लिए और मोहरी मोड़ने के लिए। तो मैंने यहाँ पे 32 इंच पे निशान लगा दिया है। दोनों तरफ मैं 32 इंच पे निशान लगा रही हूँ और ये लाइन ड्रॉ करके हम इसकी कटिंग करेंगे। हमने इसकी कटिंग कर दी है। अब इसके बाद हमें जितनी पार्ट की मोहर, मतलब कि जितनी हमें सलवार की मोहरी रखनी है उसके अकॉर्डिंग हम पार्ट की मोहरी की चौड़ाई लेंगे। हमें कितनी चाहिए, तो हमें यहाँ पे मोहरी मैं 8-16 इंच की बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पे उसका हाफ 8 इंच लूँगी। आप यदि बड़ी बनाना चाहते हैं तो आप इसे पूरी भी ले सकते हैं, और यदि आप कुछ और कम करना चाहते हैं तो आप कम कर सकते हैं। तो मैं 8 इंच ले रही हूँ और ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसे मैं यहाँ से कट कर रही हूँ। ये हमारे दोनों पार्ट कट के तैयार हो चुके हैं। इंच पे निशान लगाऊंगी, यहाँ पे मैंने 32 इंच पे निशान लगा दिया। ऊपर का देखते हैं कितना बचा है, ऊपर का 9 इंच बचा है। ये आसन है और ये आसन काफी है। यदि आपको घटाना बढ़ाना है तो आप उसे भी कर सकते हैं। उधर से मैंने ऊपर से लिया था, यहाँ पे मैं नीचे की तरफ से ले रही हूँ। यहाँ पे भी 32 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ पे भी 9 ही इंच बच रहा है। अब जो हमने दोनों निशान लगाए हैं इनको हम एक दूसरे से मिला के लाइन ड्रॉ करेंगे। पहले लाइन ड्रॉ हम इसलिए करते हैं ताकि कटिंग में फिनिशिंग आ सके। पहले लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और अब मैं इनकी कटिंग करूँगी यहाँ पे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान है, 2 मीटर कपड़े में से बहुत अच्छा तरीका है ये हैवी सलवार निकालने का। उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत पसंद आए। तो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी है परफेक्ट एकदम। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। और ये हमने सलवार की 4 कलियों की कटिंग कर ली है। इधर की तरफ से हम इनकी कटिंग करके इन्हें अलग कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि और लोग जिन्हें नहीं आती है वो भी करना सीख जाएं सलवार की कटिंग। सलवार की कटिंग मेरी पूरी हो चुकी है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।